यार कितना ज्यादा सब अपने अपने छत पे से काम कर रही हो और यहाँ पे डाल रही थी, लेकिन फिर मम्मी आवाज दी बोली उस बॉक्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो मुझे पीछे बैकग्राउंड दिख रहा हो ना, मैं सारा सामान मेकअप कर दो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? आज मैं छत पे से ही डायरेक्ट ब्लॉग करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास मौज भी है, तो मैं छत पे जा रही थी तो सोची आप लोग के साथ शेयर करूँ। यार थोड़ा सा आती हूँ छत पे, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि मैं क्या। अभी छत पे आई थी पानी देने के लिए अपने पौधे को, जो भी थोड़ा बहुत लगाई थी, तो अभी बाहर का मैं। यार कितना ज़्यादा ये बहुत सराती है, बहुत बदमाशी कर रही है, आप देखो कितना उछल रही है। तो ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा, छत पर से इस तरह से दिख रहा है। आप देखो पूरा रोड पे सन्नाटा है, कुछ लग ही नहीं रहा मार्केट है। देखो आप, मैं थोड़ा सा जूम करूं तो आपको दिखाई दे। आप देखो कुछ नीचे यहाँ पे इस तरह से है। और तो मैं फटाफट पहले पानी देती छत पर, क्योंकि मेरे पौधे जो है मेरे पौधे सूख गए हैं और मैं जल्दी छत पे आती नहीं हूँ। आप देखो यार ये थोड़ा बहुत हुआ है, और बहुत सारे बेबी प्लांट हुए थे एलोवेरा के, लेकिन टूट चुके हैं। एक्चुअली कुत्ता जो है ना, कुत्ता यहाँ छत पे जो रहता है वो उखाड़ दिया है। पहले से ज्यादा काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पहले छोटे से थे। और ये वाले जो पौधे हैं ना, पौधे पता नहीं कौन से पौधे हैं, मेरी फूफी ने ला के दी थी, और ऐसे बस वो कुछ फूल टाइप का था और लगाई लग गए। मुझे पता ही नहीं किस चीज का पौधा है, पूरे ग्रीन ग्रीन हो गया है, मतलब एकदम पूरे मर गया थे ये एलोवेरा। लगता भी ना सारा, मेरे एक लगाई थी रोज का फ्लावर लगाई थी प्लांट, और वो भी शायद नहीं है, उखाड़ दी, कुत्ता खा जाता है पता नहीं कैसे, इतनी बड़ी बड़ी हो गया, बहुत ही छोटे से है। उस पर कुछ छोड़ रही, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बदमाशी कर रही थी, उसे खेलेगी। मछ भी है, शोनी बेटी है, बाटी है, शोनी है, शुगू है, कुचू है, मोचू मोचू है। अच्छा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये बहुत ही क्यूट, आप देखो किस तरह से बैठा हुआ है। तो अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा खेलेगा ये। और आपको साइड से यार देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। सब अपने अपने छत पे से काम कर रहे हो, और यहाँ पे सनलाइट, सन बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी कलर है। तो खैर ये तो हो गया, और ये हमारी मौसपी जो कि बेचारी इधर उधर कर रही थी। तो आजा 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 आजा, चलो नीचे, और नीचे जाके जा रही हूँ, फल वल काटूंगी क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और जस्ट मैं नमाज पढ़ के उठी, देखो 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 वापस मैं नीचे आ गई, और अब मैं जा रही हूँ किचन। तो किचन में आई और फल वल को धोधा के फटाफट मैं काट लेती हूँ, कर लूँ, क्योंकि वैसे तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, किचन का कोई काम ही नहीं करती, बस बहुत हो गया। तो फल मेरा काम है बचपन से लेके, अभी तक मैं फल ही काटती आ रही हूँ किचन का। उधर मेरा भाई दिखा रहा था कि फिलोसफी जो है बहुत ही ज्यादा आराम से बैठी हुई थी, तो उसे ही मैं देखने लगी। उसके बाद सारा जितना भी है संतरे वगैरह काटी, उसके बाद मैं बर्तन वर्तन जो भी धोई, उसके बाद थोड़ा सा फल वगैरह को धो दी, और ये रहा हमारा फल तैयार है। तो अब मैं धो ही ली हूँ। मैं जैसे ही गई तो पानी भी खत्म हो चुके थे मोटर में, तो मोटर भी चालू करना था। तो उसके बाद मैं फल वल को धो धा के काट ली, और अब मैं जा रही हूँ इफ्तारी की तैयारी करने। तो इफ्तारी की तैयारी तो प्लेट वगैरह सजा दी, और मेरे घर में बस 4 लोग हैं, अम्मी है, अब्बू है, भाई है और मैं हूँ। तो ये सैलेड में मैं नींबू डाल रही थी, लेकिन फिर अम्मी आवाज़ दी बोली उसमें डाला वो नींबू, तो मैं वैसे ही छोड़ दी। तो ये हमारा इफ्तार का सज गया है प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे अबू इंतजार कर रहे थे और अबू मैच देख रहे थे, यहाँ पे मेरी मौसी सोई हुई थी आराम से। इफ्तार करने के बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए 9 बजे के बाद से शूट कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड की और खाना खाई मैं फटाफट, क्योंकि इफ्तार तो कब का कर ली थी।
उसके मैं थोड़ा बहुत नाखून काटी, नेल बहुत ही मेरे बड़े हो चुके तो नेल कट की। उसके बाद मैं सो के उठी तो आधी रात में, और ये क्लिप पहले वाली है तो उसी में मैं ऐड कर दी, क्योंकि समथिंग, क्योंकि मैं 3:30 बजे की रात तक काम की हूँ, और मतलब अनबॉक्सिंग करना था ये बॉक्स का, क्योंकि बहुत ज्यादा जो पीछे बैकग्राउंड दिख रहा हो ना, मैं सारा सामान मेकअप का इधर उधर हो रहा था, मैं इसलिए ये सोची पहले अनबॉक्सिंग फटाफट कर लूँ, कि बहुत दिन से पार्सल ये रखा हुआ था तो इसीलिए। और काफी पता है टाइम हो रही है आपको, रात के 3 बजे मैं ये काम कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है पूरा फुल, मैं वीडियो इसका लाऊंगी। और ये हमारी मौस भी आराम कर रही है, सोई हुई है, आप देखो किस तरह से सोई हुई है बिल्कुल। कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाय बाय।